हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 12वीं का चैप्टर नंबर 1 लेक्चर 15 के बारे में बताने जा रहा हूं। और यह लेक्चर 15 जो का टॉपिक जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो उत्तर प्रदेश के किसी ना किसी जिले में हर साल यह प्रश्न आता रहता है। तो आप इस प्रश्न को बहुत ही महत्वपूर्ण समझिएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण इसका डेरिवेशन है। तो हम इस डेरिवेशन को बड़े आसान व सरल भाषा में बताने जा रहा हूँ। बस आप एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट और माइंड से सेट करते चलिएगा कि कैसे इसको हम प्राप्त कर रहे हैं इस व्यंजक को। तो प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परंतु जब प्रश्न पेपर में पूछेगा तो लिखेगा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। आगे बढ़ा देगा क्या, व्यंजक ज्ञात कीजिए या निगमन कीजिए, ऐसा लिख देगा। ठीक, इंग्लिश इसका है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल आर इन ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन ऑफ एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, क्लियर हो गया। तो हमें इस हेडिंग में सबसे पहले समझना होगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो समझिए वैद्युत द्विध्रुव क्या है। हमने पिछले वीडियो में आपको वैद्युत द्विध्रुव का स्पेशल एक वीडियो बनाया है, उससे भी समझ सकते हैं। परंतु इसके पहले जब मैं वैद्युत ध्रुव की अच्छी अथवा अनुदैध स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया था, तब भी आपको वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताया था। तो चलिए हम वैद्युत द्विध्रुव के बारे में फिर से एक बार बताते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव में हम क्या करेंगे, एक चार्ज ले लेते हैं माइनस क्यू, क्लियर हो गया, और एक चार्ज ले लेते हैं प्लस क्यू। यहां तक आके समझ में ना? तो चार्ज एक माइनस क्यू हो गया और एक चार्ज क्या हो गया, प्लस क्यू हो गया। और यहां पर हम परिमाण ले लेते हैं ए और यहां पर क्या ले लेते हैं बी, क्लियर हो गया यहां पर ना। तो ये जो परिमाण है, मतलब ए और बी जो है ये सेम मैग्नीट्यूड है। सेम मैग्नीट्यूड का मतलब होता है समान परिमाण। और माइनस क्यू प्लस क्यू इसको बोलेंगे अपोजिट चार्जेज बोलेंगे। क्लियर समझ में आ गया ना? तो चार्जर जो है यहाँ पर अपोजिट नेचर के हो गए और जो आपके मैग्नीट्यूड हैं ये सेम हो गए। तो यहाँ हो गया सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट चार्जेज, हिंदी में बोलेंगे समान परिमाण तथा विपरीत आवेश के मध्य अल्प दूरी को, कौन सी दूरी को बोला गया है, अल्प दूरी को बोला जाए या वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस क्या होता है, 2L होता है। क्लियर हो गया ना? अब ये पूरा टोटल जो आपका ये चित्र बना, ये पूरा का पूरा चित्र हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल या वैद्युत द्विध्रुव हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि वैद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के लिए आप ए और बी लीजिएगा। ए और बी जो है ये सेम मैग्नीट्यूड है अर्थात समान परिमाण है। माइनस क्यू प्लस क्यू इसको बोलेंगे अपोजिट चार्जेज अर्थात विपरीत आवेश। तो विपरीत आवेश और समान परिमाण के बीच का जो अल्प दूरी होता है, और अल्प दूरी क्या होता है, 2L होता है। ये पूरी की पूरी डायग्राम बन गया, वैद्युत द्विध्रुव बन गया। क्लियर समझ में आ गया ना? अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय लिखा है। क्या लिखा है, निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ लिखा है। तो निरक्षीय अनुप्रस्थ की अंग्रेजी होती है इक्वेटोरियल। क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल कब बोला जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका अपोजिट नेचर या सेम मैग्नीट्यूड के बीच की जो अल्प दूरी 2L है, इस दूरी को दूरी में हम क्या करते हैं, एक मध्य बिंदु O प्राप्त करते हैं। मध्य बिंदु क्या प्राप्त करते हैं, O। तो जब मध्य बिंदु O मिल गया तो इसको बोलेंगे हम लोग सेंटर ऑफ डाइपोल। इस O को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ डाइपोल, अर्थात हो जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र। अब इसी वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से आप ऊर्ध्वाधर या परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर
या परपेंडिकुलर मतलब एक लंब रूप रेखा खींचेंगे, ठीक है। और जैसे ही लंब रूप रेखा खींचेंगे तो ये जो लंब रूप रेखा खींचा गया ना, इसी का नाम हो गया इक्वेटोरियल, क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल लाइन। कैसा लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन। और जब अच्छे पूछेगा तो आप क्या करेंगे, इसके यक्स एक्सिस मतलब यक्स एक्सिस में आप एक और अलग से लाइन आभासी खींचेंगे। तो समझ में आ गया ना कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति कैसे बनता है। आप पहले वैद्युत द्विध्रुव बनाइएगा, वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु आप पॉइंट करनी जो है मध्य बिंदु प्राप्त करेंगे, जिसको बोलेंगे सेंटर ऑफ डाइपोल बोलेंगे। इस सेंटर ऑफ डाइपोल से एक लंब रूप रेखा या परपेंडिकुलर आप एक लंब ड्रा करेंगे, तो इसी ड्रा वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल लाइन बोल देंगे, ठीक। इसी को हिंदी में बोलेंगे निरक्षीय। यहां तक तो समझ में आ गया। अब इसी इक्वेटोरियल लाइन पर एक बिंदु हम ले लेते हैं पी, क्या लेते हैं पी, क्लियर समझ में आ रहा है ना, एक बिंदु क्या ले लिया है पी। अब इसी पी पर हमें क्या करना है, इसी पी बिंदु पर हमें प्राप्त करना है या फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या प्राप्त करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करना है। तो देखिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करने से पहले हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू है, ए भी मान लीजिए प्लस है, तो प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन होता है। क्या होता है, रिपल्सन होता है अर्थात प्रतिकर्षण बल लगता है। और जब प्रतिकर्षण बल लगता है तो उसका जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है ना, कुछ ऐसे होती है, ध्यान दीजिएगा, ए ए हो गया वैद्युत क्षेत्र की, देखिए ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ हो रही है, आउटसाइड में मतलब बाहर की तरफ जा रहा है। परंतु जब निगेटिव चार्ज की तरफ, निगेटिव चार्ज यानी बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करना है, तो ए हो गया प्लस और ये क्या हो गया, माइनस हो गया। लेकिन ये क्या करता है कि अपोजिट चार्ज जब होते हैं तो ये अपने माइनस मतलब क्या, अपने निगेटिव चार्ज की ओर, किसके चार्ज की ओर, निगेटिव यानी निगेटिव चार्ज की तरफ होगा। तो ये इसकी कुछ दिशा, इस तरह हो जाएगी, एरो यहां लग गया, ये हो गया इन इनसाइड, क्या हो गया इनसाइड मतलब अंदर की तरफ, अंदर की तरफ वैद्युत क्षेत्र हो गया, और इसका कहाँ हो गया, बाहर की तरफ हो गया। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, किसी भी बेस के मध्य बिंदु से अगर कोई लंब रूप रेखा खींचा जाता, परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रा किया जाता है, तो उस बिंदु से अगर हम इस दोनों पॉइंट पर अगर लाइन खींचते हैं, तो ये दोनों की दोनों लाइन आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और जब लाइन बराबर होंगे तो आपको पता होगा कि यह एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, यानी मेड ट्रिंगल मतलब क्या कर रहा है, एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, पी ए बी, पी ए और क्या हो रहा है, बी प्राप्त हो रहा है। अब पी ए बी प्राप्त हो रहा है, जिस त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो, जिस त्रिभुज में दो भुजा क्या हो, बराबर हो, उसे कहा जाता है आइसो स्केल्स। आइसो स्केल्स का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज होता है, समबाहु, समबाहु त्रिभुज, इसी को इंग्लिश में बोला जाएगा आइसो स्केल्स, बोला जाएगा आइसो स्केल्स, आइसो स्केल्स ट्रिंगल, क्लियर। आइसो स्केल ट्रिंगल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु सॉरी समद्विबाहु लिखा, सॉरी यहां पर लिख दीजिएगा समद्विबाहु। कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, आइसो आइसो स्केल ट्रायंगल होगा। और समद्विबाहु मतलब सम माने समान, द्वि माने दो, मतलब जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है उसे हम कहते हैं आइसो स्केल ट्रायंगल कहेंगे या समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और चीज याद होना चाहिए आपको कि समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर या बेस पर जो कोण बनते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ पर थीटा है, तो ये भी कितने अंश का होगा, थीटा ही अंश का होगा। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक, क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं कि अब हम क्रॉस्पॉन्डिंग मेथड यूज करेंगे। क्रॉस्पॉन्डेड मेथड यूज करेंगे, क्या होता है क्रॉस्पॉन्डेड मेथड का मतलब जो है, ये जो आपका एक्स एक्सिस की जो लाइन ड्रा है ना, इसी की तरह हम एक क्या करेंगे, क्रॉस्पॉन्डिंग मेथड यूज करके एक लाइन ऐसे ड्रा करेंगे। क्लियर हो गया।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस्पोंडिंग मेथड यूज कर तो दिए हैं, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि कौन सा कोण किसके बराबर होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक, क्लियर। अब ये जो थीटा कोण है यहाँ पर बिंदु बी पर थीटा कोण है, तो ये कोण, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस मतलब ए बी जो है, ए बी इसको हम कोई नाम दे देते हैं एल, तो जो ए बी है यह ए बी समांतर किसके है, यल के है। तो किसी भी समांतर रेखा पर कोई अगर मान लीजिए एक तिर्यक रेखा हो तो उसकी एक ही तरफ बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर अगर कोण एंगल थीटा है तो यहाँ पर भी कोण क्या होगा, थीटा ही होगा, क्या होगा, थीटा होगा। क्लियर समझ में आ गया ना, यहाँ का कोण क्या होगा, थीटा होगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, इसी को बोलते हैं क्रॉस्पोंडिंग। क्या बोलते हैं, क्रॉस्पोंडिंग एंगल। क्रॉस्पोंडिंग एंगल का मतलब होता है संगत कोण। जैसे यहाँ पर एक रेखा यहाँ पर, एक रेखा यहाँ पर है, ये समांतर रेखा हो गया, इस पर कोई ऐसे तिर्यक रेखा है, अगर यहाँ कोण आपका यक्स है तो ये भी कोण कितना होगा, यक्स ही होगा, इसी को बोलते हैं क्रॉस्पोंडिंग एंगल। क्लियर समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रॉस्पोंडिंग एंगल के बाद बोलेंगे अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल हमेशा कौन सा एंगल बोले हैं, अल्टर नेट एंगल। अल्टरनेट एंगल का मतलब होता है एकांतर कोण। कैसा कोण होता है, एकांतर कोण, और एकांतर कोण जो होता है हमेशा जड़ के रूप में होता है, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। यहाँ कोण अगर थीटा तो ये भी कोण क्या होगा, थीटा। तो देखिए जरा यहाँ पर जड़ का आकार बन रहा होगा, ये यहाँ से देखा ऐसे है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, तो ये कोण थीटा, तो यहाँ पर भी क्या प्राप्त होगा आपका, थीटा ही प्राप्त होगा, ठीक, क्लियर समझ में आ गया। अब यहाँ पर भी देखिए जड़ का आकार हो रहा है, ये यहाँ से ये लाइन लेकर यहाँ जाएंगे तो ये कोण थीटा, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा आपका, थीटा ही बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना यहाँ पर। अब ध्यान देने की ये बात है, जब हम प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी की तरफ अगर ले गए हैं ये जो वैद्युत क्षेत्र, तो इसको मान लिया जाए ये प्लस क्यू है, तो यहां पर मान लीजिए आप लोग ई प्लस क्यू हो गया, और यहां से लेकर यहां जब आया तो इस वाले पॉइंट को क्या मान लेंगे, ई माइनस क्यू मान लेते हैं, ई माइनस क्यू। यहां तक समझ में आ गया ना। अब ध्यान देने वाली ये बात है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो E प्लस क्यू है मतलब ये जो प्लस क्यू आवेश का वैद्युत क्षेत्र जो है, इससे और इस एंगल से जो कंपोनेंट बनेगा, वो कंपोनेंट आपका बनेगा, बनकर आएगा आपका E प्लस क्यू कॉस थीटा हो जाएगा। क्या बन गया, E प्लस क्यू कॉस थीटा बन गया, और ये जो निगेटिव वाला है, ये निगेटिव वैद्युत क्षेत्र है, और इस एंगल से क्या बनेगा, इसी पर बन जाएगा आपका E माइनस क्यू कॉस थीटा बन गया। क्लियर समझ में आ गया, कंपोनेंट बन गया। अब इसी तरह इस बिंदु P पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये ऊपर की दिशा में जाएगा, तो यहां आपका बनेगा E प्लस क्यू साइन थीटा हो जाएगा, और जब इसके अपोजिट में चलेगा तो यहां भी बन जाएगा आपका E माइनस क्यू साइन थीटा। आई होप आपको यह फिगर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, जहां तक पूरी कोशिश की है आपको अच्छे प्रकार से समझाने के लिए, तो उस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, कि फिगर कैसे बनेगा, और पूरी एक एक पॉइंट मैंने आपको समझा दिया कैसे, कौन सा पॉइंट कैसे कहां से प्राप्त हुआ है। अब यहां पर देखना है आपको कि एक यहां पर समकोण त्रिभुज जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रेंगल, तो राइट एंगल ट्रेंगल यहां पर निर्माण हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, आर आई जी एस टी राइट एंगल ट्रिंगल, जिसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। अब देखिए समकोण त्रिभुज इसमें कहां पर है, देखिए त्रिभुज पी ए ओ, यानी पी ए और क्या है, ओ है, एक समकोण त्रिभुज यहां हुआ, तो आपको पता होगा समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है, पाइथागोरस प्रमेय
प्रमेय लागू होता है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या हो गया, आधार स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इस जो सेंटर ऑफ डायपोल था, इस सेंटर ऑफ डायपोल से जब हम परपेंडिकुलर जो इक्वेटोरियल जो लाइन है, और इस लाइन पर हमने एक बिंदु पी रखा था, कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर, कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और ये जो टू एल है, जैसे सेंटर ऑफ डायपोल किए तो ये हो गया एल, क्या हो गया आपका एल हो गया, ध्यान दीजिए कौन सा दूरी हो गया, ये हो गया यल, और ये भी क्या हो गया, यल हो गया। तो इस समकोण पी ए ओ वाले समकोण त्रिभुज में ये जो परपेंडिकुलर है वो हो गया आर, और जो वेस है वो हो गया यल। परंतु हमें ये जो जिसको हम कर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्ण, और कर्ण को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे हाइपोटेनियस, क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का वर्ग जो होता है इक्वल टू किसके होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस किसका, बेस का स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का वैल्यू कितना है, आर है, आर स्क्वायर प्लस आधार का कितना है, एल स्क्वायर हो गया। अब ये पूरा मान निकल के क्या आया आपका, के अंडर रूट के अंदर हो गया आर स्क्वायर प्लस क्या हो गया, एल स्क्वायर हो गया। यहाँ तक आपको तो समझ में आ गया, ठीक। अब ये जो मान है ये हो गया अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये भी हो गया आपके अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस क्या हो गया, एल स्क्वायर हुआ। क्यों हुआ दोनों बराबर, क्योंकि आपको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो उनके आधार पर बना कोण भी क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। आई होप यहाँ तक आपको तो अच्छे से समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इसके डेरिवेशन पर, आकृति समझ में आ गया होगा, आकृति में एक एक पॉइंट आपको समझा दिया गया, दर्शा भी दिया गया। अब इसके बाद हमें बिंदु पी पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करना है, ये आपको पता चल जाने वाला है कैसे। जब परिमाण बराबर हो, दिशा भिन्न हो,
सेम है। जब परिमाण बराबर हो, दिशा क्या हो, समान हो, तो ये घटक आपस में क्या होंगे, ये घटक आपस में जुड़ जाएंगे, ये कंपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्लियर हो गया ना? अच्छा, बराबर भी है और समान भी है, तो जब जुड़ जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकल के आएगा, देखिए ध्यान से, यहां पर E बराबर क्या आया, E बराबर E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा हो गया। फिर लिखेंगे E बराबर, जब जान रहे हैं कि ये दोनों आपस के परिमाण क्या है, बराबर है, तो E प्लस क्यू कॉस थीटा के बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस क्यू कॉस थीटा, या E माइनस कॉस थीटा की जगह क्या हो जाएगा, E प्लस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ क्या बन जाएगा, फिर प्लस बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि आपको पता है दोनों आपस में क्या बराबर, चाहे इसकी जगह पे ए लिख दो या इसकी जगह पर ए लिख दो। तो मैंने यहाँ पर e माइनस क्यू कॉस थीटा जब फिर क्या लिख दिया, e प्लस क्यू कॉस थीटा लिख दिया। अब ए बन गया आपका 2 e प्लस क्यू कॉस थीटा आ गया। यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर e बराबर हो गया आपका 2। ये जो e है, e प्लस क्यू आवेश दिया है ना, तो E प्लस क्यू का मतलब वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र का सूत्र आपको याद होगा, वैद्युत क्षेत्र का सूत्र आपको बता दिया जाए तो वैद्युत क्षेत्र का सूत्र है आपका के क्यू बटे आर होता है। इसका मतलब जान लेंगे, के का मतलब होता है 1/4 पाई, अभी लास्ट में रखेंगे, के का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू क्यू बटे आर होता है। तो यहाँ ई प्लस क्यू की जगह पे क्या रख दिया गया, के क्यू प्लस आर, यहाँ हो गया कास थीटा। अब ध्यान दीजिए कास थीटा बराबर क्या होता है, आपको पढ़ाया गया होगा त्रिकोणमिति का भुजा अनुपाती सूत्र, जिसका फॉर्मूला होता है यल यल लाल बटे होता है कक्का। तो साइन कास टेन, उसके बाद कोस एक्सेप्ट काट, तो ये कास का है तो आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। अब ध्यान दीजिएगा कि आधार बटे कर्ण के बाद हम क्या लिखेंगे, E बराबर 2 के क्यू, R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू कितना है, आपको पता होना चाहिए R का वैल्यू कितना है इसमें। तो R का मान हमने बताया कि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है कि नहीं, इसमें यहाँ हो जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो गया इनटू। अब देखिए कास थीटा का अनुसार करा आधार बटे कर्ण, तो इसमें देखिए आधार कितना है, इस वाले त्रिभुज में देखिएगा पी ए ओ, तो इसमें आधार आपका क्या है, एल है, और कर्ण क्या है, अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया? अब आगे हम चलते हैं, फिगर देखते भी चलिए, ये भी देखते चलिए। E बराबर हो जाएगा आपका, देखिए एक फार्मूला पढ़े थे वैद्युत द्विध्रुव का, 2QL, तो इसको एक तरफ कर दीजिए, यानी K को इधर कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 2QL बटे बटे। अब यहां पर ध्यान देना है आपको कि ये अंडर रूट का वैल्यू कितना होता है, अंडर रूट का वैल्यू आपका होता है 1/2, कितना होता है 1/2, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अच्छे समझिएगा, इनटू, अब यहां पर 1 बचा था, क्या बचा है 1, क्योंकि एल इसमें आ गया है, ये हो जाएगा आपका। देखिए अंडर रूट का वैल्यू जो होता है, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट का मान होता है, अंडर रूट बराबर होता है 1/2, ध्यान दीजिएगा अंडर रूट का मान कितना होता है 1/2। तो यहाँ जो अंडर रूट है, तो इसको ऐसे लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर हो जाएगा 1/2, कितना हो गया 1/2, आ गया समझ में ना। फिर देखिए यहाँ पर ई बराबर, जैसे जैसे मैं हल करता जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे आप देखते चलिएगा कि बराबर 2QL का सूत्र होता है, आपको बताया गया है 2KL का सूत्र, यानी वैद्युत द्विध्रुव बराबर होता है 2QL हो गया।
क्या रख देंगे, पी रख देंगे, तो हो जाएगा 2QL के जगह हो जाएगा पी, क्या हो जाएगा पी बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये देखिए बीच में इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है, किसका चिन्ह है गुणा, और बेस देखिएगा इसको आधार मान लीजिए इस पे पावर एक है, तो आपको एक चीज पता होगा कि ए पर एम गुणे ए पर एन हो तो इसका फार्मूला हो जाता है ए पर एम प्लस एन होता है, क्या होता है ए पर, तो ऐसे सेम यहाँ पर भी होगा, तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर, तो पावर को दोनों करेंगे जोड़ देंगे एक प्लस एक बटे कितना हो जाएगा दो, क्लियर। इसको जब हल करेंगे आप तो ये निकल के आएगा आपका के पी बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर, ध्यान दीजिए एक प्लस एक बटे दो को जब हल करेंगे तो आएगा इस पे तीन बटे दो, कितना आएगा तीन बटे दो, यहां तक आपको समझ में आ गया ना, तीन बटे कितना प्राप्त हुआ दो हो गया। अब यहां पर हो गया पूरा टोटल आपका ए ई बराबर के पी बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर घात तीन बटे दो। अब यहां तक भी अगर आपने बोर्ड पेपर में सॉल्व करके चले आए तब भी आपका क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा, परंतु इससे आगे और हम हल करेंगे, ठीक है। तो सूत्र प्राप्त हुआ e बराबर के पी बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर में घाते तीन बटे दो हो गया, यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे और सॉल्व कैसे किया जाएगा इसको ध्यान से देखिएगा, अब फिगर में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए जो आर है इस यानी सेंटर ऑफ डाइपोल मतलब वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से जो बिंदु P तक दूरी है वो क्या है R है, और इसकी दूरी क्या है L है, तो इन दोनों बताओ कौन बड़ा कौन छोटा है, ये दूरी देखिए छोटा है और ये दूरी क्या है बड़ा है ना, तो इससे हम कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर R इज ग्रेटर देन, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या हो गया L हो गया, तो R स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L स्क्वायर, ठीक, इतना R स्क्वायर बड़ा हो गया L स्क्वायर से कि L स्क्वायर इक्वल टू क्या प्राप्त हो गया, शून्य प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया शून्य प्राप्त हो गया, तो we can write, तो हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ लिख सकते हैं हम लोग E इक्वल टू के पी बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का मान क्या प्राप्त हुआ था, ध्यान दीजिए एल स्क्वायर का मान क्या प्राप्त हुआ शून्य, तो एल स्क्वायर का मान हम यहाँ पर एल स्क्वायर के क्या रख देंगे शून्य रख देंगे, और इस पर घाते कितना हो जाएगा तीन बटे दो हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा E इक्वल टू के पी बटे आर स्क्वायर में शून्य जोड़ेंगे तो आर स्क्वायर ही होगा बटे आर स्क्वायर पर तीन बटे दो हो जाएगा, ठीक, फिर यहाँ पर E बराबर के पी बटे हो गया ना, अब इसको तोड़िए तो देखिए इसका भी फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है इसका ए के घाते यम के घाते यन, तो इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा ए ए के घाते यम गुड़े यन, इसके फार्मूले में इसको करिए तो आर हो जाएगा दो गुड़े थ्री बाई टू, तो दो से दो कैंसिल हो गया तो निकल के आया ई इक्वल टू के पी बटे आर क्यूब, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो इक्वल टू के का वैल्यू कितना होता है एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पी अपॉन आर क्यूब, ये निकल कर आ गया आपका कौन सा चीज, ये निकल कर आया ये वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निकल के क्या आया E equal to 1 by 4 pi epsilon naught into P upon R cube हो गया, ठीक, यहां तक आ गया समझ में। अब यहां पर अगर इसी को सदिश रूप में लिखना, किस रूप में लिखना सदिश रूप में, तो सदिश रूप में यानी वेक्टर फॉर्म में जब करना है तो वेक्टर फॉर्म में करने के बाद क्या होगा कि वेक्टर E equal to 1 by 4 pi epsilon naught into, अब ध्यान दीजिएगा तो E दिया ना, तो जिधर P है तो उधर E की दिशा एक जैसे है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों की दिशा ये कंडीशन में हो रहा है, तो यहाँ पर वेक्टर E बराबर हो जाएगा आपका
अच्छे